हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के हालात भी काफी ज्यादा खराब, 3300 लोगों को डिटेन किया गया है, 3 लोगों की मौतों की खबरें आ रही है। सर, ये कब तक चलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश हमारा हमेशा से शांत प्रिय रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हो गए हैं जो यहाँ के निवासियों में गलत धारणा भरना चाहते हैं, गलत दुष्प्रचार करना चाहते हैं। सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप में कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, जो अफवाह फैलाने का काम करेंगे। है ना, जो नागरिकता संशोधन बिल है, इससे किसी जाति को, किसी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। इससे निश्चित रूप में किसी भी वर्ग की कोई ना तो नागरिकता जा रही है, ना उनका अधिकार छीनना है, ना ही उनसे किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न का कार्रवाई हो रही है। ये केवल दुष्प्रचार कुछ तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, जो भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में अमन चैन शांति नहीं चाहते। दिनेश शर्मा जी, ये स्थिति आप जो बता रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी इस स्थिति को समझ क्यों नहीं रहे, इस कानून को समझ क्यों नहीं रहे? क्या सरकार उन्हें समझाने में नाकाम रही है या विपक्षी दल उन्हें गुमराह करने में कामयाब हो रहा है आपके हिसाब से? निश्चित रूप में कुछ लोगों ने गलत तरीके से दुष्प्रचार किया है और दुष्प्रचार को एकदम से तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता। वो धीरे धीरे लोगों को एहसास होगा और वो दुष्प्रचार का प्रभाव उससे समाप्त होगा, लेकिन ये जो भी षड्यंत्र है, इसको बेनकाब करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और जो लोग शांतपूर्वक प्रदर्शन करते हैं उनके साथ में सरकार की पूरी सहानुभूति है कि किसी के साथ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई ना हो। लेकिन अगर किसी ने हिंसा फैलाने का काम किया या तोड़फोड़ की या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो निश्चित रूप में जो संपत्ति का नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, वो दंगाइयों की संपत्ति को जब्त करके वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी बड़ी से बड़ी धाराओं में किया जाएगा। दिनेश जी, कई सारे नेताओं के खिलाफ में भी मामला दर्ज किया गया है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और दूसरे पार्टियों के, 3300 लोगों के आसपास हिरासत में लिए गए। क्या ये सबके सब दंगाई और हिंसा फैलाने वाले लोग ही हैं? नहीं, देखिए, जिनके खिलाफ दंगा कराने के सबूत मौजूद होंगे जी, सरकार उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इतिहासन के तौर पे कुछ लोगों को नजर बंद करना या दो लोगों को बाहर निकलने से मना करना, ये कोई कठोर कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आता। ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार सतर्क है, लोगों से अपेक्षा और अपील यही है कि शांति बनाए रखें और नेताओं के, इस प्रकार के नेताओं के बहकावे में ना आए जो अपनी राजनीतिक विरासत खोते जा रहे हैं, जिनका आधार समाप्त होता जा रहा है, वो केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भोले भाले लोगों को बदनाम करने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें जिससे किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान। एक सवाल यहाँ पर है दिनेश जी कि पूरे प्रदेश में धारा 144 कल से लगी हुई थी, उसके बावजूद हिंसा हो गई, क्या पुलिस से कहीं कुछ चूक हुई या पुलिस नरमी बरत रही थी इसलिए सारी चीजें हुई? नहीं, पुलिस एकदम से बल का प्रयोग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे नागरिक हैं और लखनऊ में तो खासतौर से मैं कह सकता हूँ ये अमन चैन शांति का संदेश देने वाला शहर रहा है, यहाँ हिंसा की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। पुलिस ने पहले इस बात की पूरी कोशिश की कि हिंसाइयों, दंगाइयों के खिलाफ किसी प्रकार के कठोर कार्रवाई शुरू में नहीं की गई कि हो सकता है कि 2-4-10 बंदा जो दंगा फैलाना चाहते होंगे तो उनको लोग समझाएंगे, लेकिन जब स्थिति काबू में नहीं आई तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा जी। अब उत्तर प्रदेश से भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी अब दिल्ली जामा मस्जिद इलाके में पहुंचे हुए हैं, आपको आवाज आ रही है सर? मुझे आ रही है आपकी आवाज जी। अब क्या ऐसा लगता है कि अब ये विपक्षी दलों ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है या इस विरोध का इस्तेमाल कर रहे हैं? शुरू से ही विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार जिस प्रकार से किया जा रहा था, MIA द्वारा, सपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तो उससे इस बात का संकेत साफ साफ मिल रहा था कि इस बारे में निश्चित रूप में कोई षड्यंत्र इन लोगों का है या प्रत्यक्ष रूप में कोई सहयोग इनका है जिससे हिंसा फैलने की पूरा अंदेशा रहा है। सरकार चाहे जो भी लोग हों, चाहे राजनीतिक हों या अराजनीतिक हों, किसी के को कानून को अपने हाथ पे नहीं लेने देगी। जो शांतपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं
फिर से मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि प्रदर्शन आपका अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। दिनेश जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, इंटेलिजेंस के जो इनपुट आ रहे हैं उसके आधार पर 22 दिसंबर को बीजेपी की दिल्ली की रामलीला रैली में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर में या कुछ ऐसे आतंकी हमले की साजिश और साये की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नेपाल का बॉर्डर लगता है, कई बार उधर से आतंकी गतिविधियां होती हैं, किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं वहां पर सुरक्षा के? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को लेकर पहले भी कुछ लोग सशंकित आचरण कर चुके हैं। सरकार चुस्त पाबंद है और बिल्कुल किसी भी तरीके के शैतानी ताकतों का मुकाबला करने के लिए तत्पर है। मैं ये कह सकता हूं कि किसी के भी जो गलत इरादे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि अब विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के कुछ लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुला करके बातचीत करना चाहिए और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को रोकने की एक पहले कोशिश राज्य स्तर पर भी, चूंकि आप लोग सरकार चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, एक कोशिश, एक पहल होनी चाहिए ऐसी? सरकार ने हमेशा पहल की है, लोगों से बात भी की है, अपील भी की है और भविष्य में भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो लोग, क्योंकि नेतृत्व विहीन आंदोलन हुए हैं कई जगह पर जी। कई जगह पर अफवाहों के आधार पर हुए हैं, ऐसे क्षणिक आंदोलनों का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता और ना ही कोई नेतृत्व हुआ करता है। लेकिन अगर किसी से भी बात करने की जरूरत होगी तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार सबसे बात करने के लिए तैयार है जी। चूंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के भावनाओं को भड़का करके विपक्षी दल या कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मुसलमानों के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो मस्जिदों के इमाम हैं या जो लोग असर रसूख वाले हैं, उन लोगों के साथ में एक बैठक पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई आगे देखने को मिल सकती नहीं, है? पुलिस प्रशासन बराबर बराबर जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनके साथ में बैठकें कर रही हैं। स्वयं हमारी भी कई धर्म गुरुओं से बात हुई है, कई बड़े मौलानाओं से बात हुई है और मुझे खुशी है कि उनके द्वारा भी अपीलें की गई हैं और उन्होंने भी कहा है मेरे व्यक्तिगत बात में भी कि हिंसा को हम लोग कोई भी प्रशय नहीं देते और ना ही हम चाहते हैं कि ऐसे तत्व तो हमारे किसी उसमें आए जो हिंसा फैलाएं या कानून को अपने हाथ में ले जी। उप मुख्यमंत्री जी, कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के नाम इस हिंसा में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी और उससे उस नुकसान की भरपाई की जाएगी, तो क्या यह माना जाए कि एक तरीके से चेतावनी है या वाकई ये आगे आने वाले वक्त में चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, जो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं उनके लिए ना तो कोई चेतावनी हो सकती है ना ही कोई धमकी हो सकती है। ये उन तत्वों के लिए है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जी। और ऐसी स्थिति में एक सवाल यह है कि अब होगा क्या, आगे की तस्वीर आप देख क्या रहे हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब कुछ लोगों की नाराजगी है, देश हित में हम झेल सकते हैं और झेल रहे हैं, तो ये नाराजगी कब तक चलेगी, ये विरोध कब तक चलेगा, तस्वीर कुछ साफ कर सकते हैं आप? नहीं, विरोध करने वाले लोगों ने कहा ना कि किसी को जब असलियत के पता चलेगी कि भड़काने वाले लोग ऐसे हैं जो उनका हित नहीं चाहते तो जनता स्वयं उनका बहिष्कार करेगी और ऐसे तत्वों का बहुत दिन तक अस्तित्व नहीं रहता। अफवाहों का जो बोलबाला है वो क्षणिक होता है और उसको बहुत समय तक का सही के रूप में पेश करना हमें नहीं समझता हूँ कि संभव होगा। असली बात सबके सामने आएगी और लोग इस बात को समझेंगे कि सरकार उनका हित चाहती है, अहित किसी का नहीं चाहती, ये देश सबका है और सब लोग मिलकर इस देश में रहें, सरकार की यही प्राथमिकता है। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल कि कल जब धारा 144 लगी थी उसके बावजूद हिंसा हुई, क्या कहीं पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से चूक हुई है, इसको रोका जा सकता था? नहीं, अगर पुलिस पहले से किसी को रोकती तो ये बात होता कि वहां पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया, इसलिए पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी जिससे किसी को के भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो मैं कह सकता हूं कि ये पुलिस की रणनीति के अंतर्गत था कि किसी प्रकार के लोगों को उकसाने वाली कोई घटना ना हो जी। आज अभी तक किसी प्रकार की घटना की सूचना नहीं है, मेरी पूरी उम्मीद है कि लोग वास्तविकता को समझे हैं
और प्रदर्शन से और हिंसा से दूर रहेंगे। दिनेश शर्मा जी, चूंकि आपको इस वक्त राज्य से लेकर देश और विदेश में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं R9 टीवी के माध्यम से, R9 टीवी के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से, लोगों से? मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि ये देश हम सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, लेकिन हिंसा को करने का अधिकार किसी भी जाति और धर्म के लोगों को नहीं है। हम वास्तविकता को समझें, ऐसे तत्वों को हम पहचाने जो हमें भड़काना चाहते हैं, जो देश के अमन चैन शांति को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचान कर हमें उनका विरोध आगे आना चाहिए। मैं यही अपील सबसे करूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस देश को मजबूत करने का काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी R9 टीवी के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए और पार्टी लाइन को रखने के लिए, सरकार की बात रखने के लिए और अपील करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिन्होंने तफसील से सारे सवालों का जवाब देते हुए R9 टीवी के दर्शकों के साथ साथ राज्य से लेकर के देश और विदेश में बैठे हुए लोगों से ये अपील करते हुए दिखे कि अब इस जो कि हिंसात्मक भीड़ कई बार हो जाती है, हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन प्रयासरत तो है ही है, लेकिन लोगों को अब इस पूरे मामले को सोचना होगा, समझना होगा कि हिंसा कितनी जायज है, विरोध कितना जायज़ है, और इस पर जो मुखालफत की जा रही है क्या उसका औचित्य है या नहीं, या फिर कुछ लोगों की साजिश का शिकार हो रहे हैं ये सारे के सारे लोग।